हेलो एवरीवन, देखिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि नोट्स जो हैं हमारे इंग्लिश के वो किस टाइप के हैं। आपके ये जो नोट्स हैं ये सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं, है ना। चाहे आप MPSI की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप SSC की कर रहे हैं, चाहे आप व्यापम की किसी भी एग्ज़ाम ग्रुप 4, PNST या संविदा शिक्षक वर्ग 3 किसी की भी कर रहे हैं या आगे भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो ये नोट्स उसके लिए इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि इसमें मैंने हर वो चैप्टर जो कि इम्पोर्टेंट है वो इसमें लिया है। और ये हैंड रिटन नोट्स है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, ये देखिए, ये आपका चैप्टर है, ये टाइम एंड टेंस। दूसरा वॉइस नरेशन, डिटर्मिनर्स के अंदर हमने लिए हैं इसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। ये वो चैप्टर हैं जो हर एग्ज़ाम में आते हैं और बिल्कुल मतलब सिंपल तरीके से इनको बताया हुआ है, मैं आज आपको पूरा बताऊंगा। फिर आर्टिकल मॉडल प्रीपोजिशन क्लॉजेस क्वेश्चन टेक कंजंक्शन इन्फिनिटिव जीरन। इसके बाद आप देखेंगे इसमें सिनोनिम एंटोनिम मिलेंगे आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेज और मिस स्पेल। ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की है। सबसे पहले अपन चलते हैं कि चैप्टर को कैसे लिखा गया है। चैप्टर 1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सबसे पहले इसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया है क्या होता है ये। उसके बाद आपको यहाँ से हमने जो जो भी हमको मतलब ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं आपको सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस चैप्टर में यह सीखेंगे कि सब्जेक्ट कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है ना, ये सारी चीज़ें। इसके बाद इसके एग्जाम्पल है ना, फिर इसके बाद जो भी खास बात होगी वो इस तरीके से आपको बताई जाएगी। इसके बाद इसमें दिए देखिए सिंगुलर प्लूरल पूरा चार्ट आपके लिए बना हुआ है। उसके बाद यहाँ से हम चले हैं इसमें नियम के हिसाब से, जैसे ये कॉन्सेप्ट 1 ख़त्म हो गया, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 2 के रूल नंबर 1 के एग्जाम्पल, फिर इसके अपवाद, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है इसके जो भी नियम हैं इसके अपवाद, ये देखिए आप, है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 3 किस तरीके से ये, फिर इसके क्वेश्चन ये देखिए आप, कॉन्सेप्ट नंबर 4 पूरे डब्बे वब्बे बना के मतलब व्यवस्थित तरीके से आप आसानी से इसको सीख जाएं, ठीक है। और ये समझिए कि बहुत ही शानदार तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया है ना, ताकि आपको समझने में आसानी रहे और इंग्लिश आप बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी। आप चिंता ज़्यादा करते हैं, चिंता मत करा करिए। ये कॉन्सेप्ट नंबर 6, इस तरीके से ये पूरा चैप्टर देखिए आप। ये कॉन्सेप्ट नंबर 7, इसमें सब सिस्टमेटिक। उसके बाद इसका नोट, अगर इसमें कुछ खास बात हो तो वो नोट भी दिया गया है, यदि नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो ऐसा ऐसा होता है ना। ये चैप्टर नंबर, ये कॉन्सेप्ट नंबर 8, कॉन्सेप्ट नंबर 9, ये देखो आप पूरा कॉन्सेप्ट व्यवस्थित तरीके से। कॉन्सेप्ट नंबर 10 बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर ये देखिए टेंस, है ना। अब अगला चैप्टर चालू होने से पहले आपको इसके साथ में जब आप नोट्स मंगवाएंगे तो ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा उसके साथ साथ ही साथ आपको लगी हुई ये शीट मिलेगी। इस शीट में आपके रहेंगे लेयर 1, इस तरीके से लेयर 1, ठीक है। लेयर 1 के 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके, फिर आपका आ जाएगा लेयर 2, फिर इसके क्वेश्चन रहेंगे थोड़े से एडवांस रहेंगे ये, फिर आ जाएगा आपका लेयर 3, फिर इसके क्वेश्चन रहेंगे, फिर आ जाएगा आपका एडवांस एरर, ये देखिए, फिर इसके क्वेश्चन रहेंगे, है ना। फिर आ जाए, ये इस तरीके से शीट रहेगी आपके पास, है ना, ये शीट है आपकी। इसके बाद इसके सारे आंसर रहेंगे, ये देखिए आप, ये सारे इसके आंसर, ठीक है। इसके बाद आपको एक टेस्ट मिलेगा। अब जाके फाइनली आपका चैप्टर 1 ख़त्म हुआ है और इतना आपको किसी भी किताब में नहीं बताया जाएगा और इस तरीके से नहीं बताया जाएगा जैसे मैंने बताया है, ठीक है। मेहनत लगी है इन नोट्स को बनाने में, कम से कम ये समझ लीजिए कि 1 साल भर लगा है पूरा, तब जाके ये सारे क्वेश्चंस वगैरह और ये रेडी हुए हैं, ठीक है। तो ये इसमें 400 के आसपास पेजेस हैं आपके टोटल, ठीक है, सब मिला के। तो इसकी जो फीस है वो है 500 रुपये, जिसमें आपका कुरियर चार्जेस है, आपके घर पहुंचाने में 100 से 150 रुपये लगते हैं, वो भी इसमें शामिल है ना। और साथ में आपकी पूरी प्रॉपर तरीके से बाइंडिंग वगैरह सब कुछ हमने कर रखा है। ये आंसर शीट है, इसके भी आपको टेस्ट की भी आंसर शीट मिलेगी। और फिर आपका अगला चैप्टर चालू होगा टेंस, ठीक है। ये यहाँ से आपका टेंस चालू हुआ। अब देखिए टेंस को भी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, ये सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, ये इसमें कौन कौन से नियम आपके लग रहे हैं वो सारी चीज़ें, ये इसके एग्जाम्पल, ये इस तरीके से आपको ऑलवेज का यूज़ कैसे होता है तो उसके एग्जाम्पल सामने दिया है ये कितने प्रतिशत में यूज़ होता है, ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। इसके बाद में जैसे ये प्रोवर्ब है, तो प्रोवर्ब कौन कौन सी है, तो ये आपको सारी प्रोवर्ब दी गई है, ये देखिए इनमें कौन सा टेंस लग रहा है, सब समझाया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। आप वीडियो कोर्स भी देख सकते हैं, वैसे मैं लाइव भी पढ़ा रहा हूँ अब, है ना।
ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। ये पास सिंपल टेंस चालू हो गया, ठीक है। ये देखिए आप इस तरीके से, मतलब बेहतरीन है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए पूरा ये ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा टेंस ही चल रहा है अभी तो, एक एक चीज़। और वैसे नहीं पढ़ा रखी मैंने आपको, जैसे आप समझ रहे ना, ता है, ती है, चुका है, चुकी है, ये फालतू बातें है ना। अपने एग्ज़ाम में जो आता है, जैसे ये देखो सिंस, सिंस फोर कहाँ लगता है, ये फोर सिंस पॉइंट ऑफ टाइम फोर ड्यूरेशन, फिर सिंस को पूरा समझा रखा है कहाँ कहाँ पे आपको सिंस लगाना है, ये देखिए आप। इसके बाद में फिर आपको अगला टेंस चल गया, और जैसे ये टेंस ख़त्म होगा फिर इसकी शीट मिलेगी आपको। देखो मैं बताता हूँ आपको इसकी शीट, सभी चैप्टर में हमने शीटें बना रखी है शानदार। ये देखिए आप, ये टेंस की शीट जो है, इसमें मैंने आपको यूनिवर्सल फैक्ट के चार क्वेश्चन, जनरल मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस सबसे पहले, इसमें यूनिवर्सल, फिर जनरल फैक्ट के 10-12 क्वेश्चन, फिर हैबिट्स के क्वेश्चन, फिर इसके बाद जीरो कंडीशन, रियल, जो जो मैंने पढ़ाया है सब सिस्टमेटिक। ये देखिए आप, है ना, वीडियो भी आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है, एक नंबर से जब सिलेक्शन रुकता है ना, तो आदमी ज़िंदगी भर पछताता है फिर। हाँ, ज़िंदगी भर मतलब ये है कि आपके वो जो सैलरी जो आ सकती थी हर महीने, वो नहीं, वो रुक जाती है कहीं ना कहीं। और ज़्यादातर लोग मैंने देखे हैं कि धकाने का काम ज़्यादा करते हैं, अरे वारे कर लेंगे। जब आप किसी भी काम को कर रहे हैं ना, तो फिर अच्छे से करिए। ये टेंस की आंसर शीट दे रखी है ना, तो इस प्रकार से आपके सारे नोट्स रहेंगे। अब मैं आगे के नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन मैंने ये दो चैप्टर आपको बताए हैं, ठीक है। तो जिस किसी को भी मंगवाना है तो इस नंबर पर आप WhatsApp पे मैसेज कर देना, ठीक है, तो आपके घर आ जाएंगे। अब तरीका क्या है सर? कुछ नहीं है, आपको अपना एड्रेस मुझे देना पड़ेगा, तो उस एड्रेस पे मैं यहाँ से निकलवाऊँगा, तो अगले 10 दिन में आपके घर आ जाएंगे, ठीक है। ये इसका गणित रहेगा, और पूरे पूरा पैक आएगा इस तरीके से। और जो पेमेंट है वो आप फ़ोनपे के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे फ़ोनपे चलता है, उस पे आप पेमेंट कर दीजिए और आपका एड्रेस दे दीजिए, तो आपके घर पे पहुंच जाएंगे। सीधा सा गणित है, और आप जब एक बार इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। और जो चीज़ आप ढूंढते फिर रहे हैं ना दुनिया में, वो मिलेगी आप, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम जब हम देते हैं और एक नंबर अगर कहीं ना कहीं कम पड़ा, तो सब व्यवस्थाएँ बिगड़ जाती है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।